गुड ऑफ यू टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट हिंदी। ओके, क्लास सिक्स की हिंदी की बुक है। यहाँ पे आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे स्वच्छता के बारे में दिया गया है, साफ सफाई के बारे में दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। हमें अपने घर एवं आसपास सफाई रखना चाहिए। सफाई की शुरुआत आप स्वयं से ही करें और अपने दोस्तों, भाई बहन एवं आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें। नीचे सफाई की कुछ आदतें दी गई हैं, उन्हें पढ़ें, समझें और दैनिक जीवन में उनका पालन करें। ठीक है, तो ये जो साफ़ सफाई है, आप सब अपने घर को साफ़ सफाई रखते हो, है ना, अपने शरीर को साफ़ सफाई रखते हो, तो इसी से रिलेटेड है ये जो है स्वच्छता। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको पालन करना है। ठीक है, अपने दैनिक जीवन में फर्स्ट देखिए, इसमें दिया गया है कि प्रतिदिन दो बार दांतों को साफ़ करें, है ना। प्रतिदिन आपको रोज़ डेली क्या करना है, टू टाइम्स में आपको टीथ को अपना क्लीन करना है। ओके, प्रतिदिन स्नान करना है। ठीक है, डेली आपको बात करना है, अपने बाल और नाखून को नियमित कटवाना है। ठीक है, हेयर कटिंग करवाना है, नेल्स कट करवाने हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं ना, धुले हुए, खाने के पहले और खाने के बाद में अपने आप हाथ को धोना है। घर या घर के आसपास गंदगी आपको नहीं फैला के रखना है, हमेशा कचरा डस्टबिन में आपको डालना है। ठीक है, डस्टबिन आपको रखा हुआ रहता है आजकल घर में, आपको सबको पता है कि आजकल गीला कचरा और सूखा कचरा वाला आता है ना, ग्रीन कलर का एक कचरे की बाल्टी होती है और क्या बोलते हैं ब्लू कलर की होती है ना, तो आपको क्या करना है, हमेशा उस डस्टबिन में ही अपना कचरा डालना है। ठीक है, गीला कचरा एवं सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में डालें। ये जो मैंने आपको अभी बताया है ना, नगर पंचायत से आप सबको मिला होगा बाली जो डस्टबिन का है, वो नाइन्थ में है। आपको घर से निकलने वाले कचरे को खुले मैदान में ना फेंकें, कचरा गाड़ी में ही डालें। ठीक है, कचरा का गाड़ी आता है ना आजकल, सबको पता है कि पिछले दो तीन सालों से जो जब से स्वच्छ भारत अभियान जो स्टार्ट हुआ है, तब से हमको क्या है, जब से हमको डस्टबिन दिया गया है तब से कचरे वाली गाड़ी आती है, उसमें हमको अलग करके रखना होता है सूखा कचरा और गीला कचरा, और हम क्या करते हैं उसको हमको खुले मैदान में नहीं फेंकना है, हमको उसी कचरे वाली गाड़ी में ही डालना है। 10 आपका दिया है रैपर, पॉलीथीन बैग, फलों के छिलके इत्यादि सड़क पर ना फेंकें, सड़क के किनारे रखें, डस्टबिन में ही डालें। ठीक है, सड़क के किनारे भी आप देखते होंगे, है ना, कहीं जाते हैं तो कि डस्टबिन रखा हुआ होता है, तो कभी भी रैपर जो चॉकलेट आप खाते हो, है ना, तो उसकी जो पॉलीथीन होती है रैपर, वो उसको आप क्या है अपने रोड पर नहीं फेंक दोगे, आपको क्या करना है उसको डस्टबिन में डालना है। पॉलीथीन का जो बैग होता है वो आपको डस्टबिन में ही डालना है, आपको रोड पे नहीं फेंकना है। ठीक है, फलों के छिलके, जैसे आपको बार बार बताया जाता है कि जैसे आप बनाना खाते हो, केले खाते हो, तो केले के छिलके को अगर आप करोगे तो क्या है, उसमें स्लिप खा के कोई भी गिर जाएगा, है ना, तो आपको क्या करना है, सिर्फ केले के ही छिलके को नहीं, आपको किसी भी फ्रूट के छिलके को जो है आपको सड़क पर नहीं फेंकना है। ठीक है, इट मीन्स पूरा क्या है कि कोई भी कचरा आपको जो है सड़क पे नहीं फेंकने हैं, घर से बाहर कहीं पे भी नाली में नहीं डाल देने हैं, आपको क्या करना है डस्टबिन में डालना है, और डस्टबिन से आपको क्या करना है, जब आपके कचरे की गाड़ी आएगी तो आपको उस डस्टबिन के कचरे को उस कचरे की गाड़ी में डालना है। ठीक है, तो ये है आपका स्वच्छता। इसमें आप क्या करोगे, ये आपका एक होमवर्क है कि इसमें से जो जो काम आप डेली करते हो वो काम आप मेरे को लिख के आप होमवर्क कॉपी में बताओगे। ठीक है, ये आप मेरे को सेंड करोगे वीडियो, सॉरी फोटो आप पिक खींच के आप इसको सेंड करोगे। ठीक है, ग्रुप में, इज़ दैट ओके ना? ओके, सो अभी के लिए थैंक यू।